लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। लेकिन अंत में शक्तिमान की जीत हो ही गई। खिलौनों को अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाने वाला ट्वाई मैन हूं मैं, ट्वाई मैन। बैंक तुम ही लोगों ने लूटी थी? रुपए कहाँ? वो ले गया। वो कौन? वो अपने आप को ट्वाई मैन कह रहा था। कौन हो सकता है ये ट्वाई मैन? अपने आप को ये ट्वाई मैन कहता है। खिलौने उसके हथियार हैं। खिलौने जैसे मेकअप लगाकर शहर में घूमता है और खिलौने जैसा व्यवहार भी करता है। तुम क्यों आए हो यहाँ? देने आया हूँ उन्हें के लिए खिलौना। अब मेरा निशाना बनेगा ये समाज। पुलिस स्टेशन में तो कोई सुराग मिला नहीं। हाँ, इस अपराध का पता जरूर लग गया। हाँ, शायद यहाँ पर टॉयमैन का भी कोई सुराग मिल जाए। ये खिलौने ही अब मेरे हथियार बन जाएंगे और फिर शुरू होगी शहर की तबाही। और अब देखिए,
वहां आपकी जान को खतरा हो सकता है। किसका काम हो सकता है? बच गया, लेकिन इस हादसे के पीछे और शहर में होने वाले आतंक के पीछे जिसका हाथ है, उसका नाम हम जान चुके हैं। उसका नाम है टॉयमैन। दोस्तों, ये वही टॉयमैन है जो कुछ दिन पहले बैंक के लुटेरों से पैसे छीनकर चला गया था। उसने एक परिवार को भी मौत की नींद सुला दी थी और उस परिवार में अफसोस एक मासूम बच्चा भी था। शायद ये टॉयमैन भूल गया दोस्तों, इस शहर का रखवाला शक्तिमान है और शक्तिमान के होते हुए वो ज्यादा दिन तक खौफ नहीं फैला सकेगा। शिक्षा मंत्री जी के अनुसार खिलौने खतरनाक नन्हे लड़ाकू विमान बनकर बच्चों पर हमला करने लगे थे। खिलौने भेजने वाले ने शहर को तबाह करने की धमकी दी है। उसने अपना नाम दिया है टॉयमैन। अब देखते हैं हमेशा से शहर की रक्षा करने वाला शक्तिमान कैसे निपटता है इस मुसीबत से। शक्तिमान, पता है बहुत ताकतवर है तू, लेकिन तू भी मेरे कहर से शहर को बचा नहीं पाएगा। आज फिर बरसेगा मेरा कहर शहर पर। टॉयमैन के खिलौने शहर में जरूर आएंगे शक्तिमान। आज लोगों के मन से ये गलतफहमी हटा दूंगा कि तू उनका रहनुमा है शक्तिमान। तू उनको बचा पाएगा? शहर को मेरे कहर से तू भी नहीं बचा पाएगा शक्तिमान, तू भी नहीं बचा पाएगा। कितने अफसोस की बात है कि अब तक शक्तिमान टॉयमैन को नहीं पकड़ पाया। शक्तिमान भैया तो उसे पकड़ना चाह रहे थे कुंडल, मेरा मतलब है कुणाल मास्टर जी, परंतु वो भाग गया। शक्तिमान भैया का क्या दोष? आप ये मत भूलिए कुणाल जी कि टॉयमैन कोई आम इंसान नहीं है, कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही शातिर और ताकतवर इंसान। कहीं इसलिए तो शक्तिमान उससे कमजोर नहीं पड़ रहा है? गीता जी, आपको तो मालूम ही होगा, कहीं शक्तिमान बीमार बीमार तो नहीं है? शक्तिमान भैया और बीमार? आप मजाक अच्छा कर लेते कुंडल, मेरा मतलब कुणाल मास्टर जी। शक्तिमान भैया? अरे शक्तिमान भैया तो बिल्कुल चुस्त तुरस्त और तंदुरुस्त है, और फिर भी टॉयमैन को नहीं पकड़ पाए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई गंगाधर जी। अब आपका हाजमा खराब हो तो इसमें शक्तिमान भैया का क्या दोष? आप बाजार में जाकर हाजमे की कोई दवाई क्यों नहीं लेते? आजकल तो बाजार में बहुत सारे ब्रांड मिल रहे हैं। गंगाधर जी कहाँ जा रहे हैं आप? एक काम याद आ गया। ऐसा कौन सा काम याद आ गया? दरअसल क्या है कुंडल, मेरा मतलब है कुणाल मासे जी, आजकल हमारी माता श्री घर में नहीं है, इसीलिए दूध जलाने के लिए, मेरा मतलब है कि दूध को गर्म करने के लिए हम स्टोव जलाते हैं। दूध तो उबल कर हमने पी लिया, स्टोव को हम जलता छोड़कर ईंधन जल रहा होगा, ईंधन की कितनी बर्बादी होगी। आजकल तो केरोसिन के भाव आसमान को छूने लगे हैं। हमें बहुत जल्दी है, हम चलते हैं, स्टोव को बंद करके आते हैं। अरे गंगाधर जी सुनिए तो, सुनिए तो, अजीब सरफिरा आदमी है ये। समझे,
जरूर टॉय मैन का कोई सुराग मिला होगा शक्तिमान। बीच में फिर टांग अड़ाने आ गया शक्तिमान। उससे टकराने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मेरे खिलौने खिलौने नहीं, आफत हैं जो तुझे सबक सिखा सकते हैं। खिलौनों से टकराना इतना आसान नहीं है शक्तिमान, इतना आसान नहीं। कुंडलिन्या प्रियं सुखं अष्टोत्तरं महापुण्यं साक्षात् सिद्धि प्रदायकं तव प्रेम वशेनैव कथयामि शृणुष्व तत् विना यजनयोगेन विना ध्यानेन यत्फलं तत्फलं लभते सद्यो विद्याया सुकृपा भवेत् या विद्या भुवनेशाली त्रैलोक्य परिपूजिता सा देवी कुंडली माता त्रैलोक्यं पाति सर्वदा। टॉयमैन को रोकने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है ये तबाही। अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था टॉयमैन का। भयंकर रूप से तबाही फैलाई है टॉयमैन ने अपने खतरनाक खिलौने हथियारों से।
शहर को बचाने। उसने पूरी कोशिश की थी टॉयमैन के खिलौनों को रोकने की, मगर टॉयमैन के खिलौनों ने उसको भी थोड़ी देर के लिए घायल कर दिया। समझ में नहीं आता टॉयमैन क्यों कर रहा है तबाही, आखिर वो हमसे चाहता क्या है। शहर के लिए अचानक संकट बन चुके टॉयमैन को अगर नहीं रोका गया तो वो सारे शहर के अस्तित्व के लिए संकट बन जाएगा। आज शक्तिमान को भी मैंने अपने खिलौनों के दम पे हरा दिया। अब जब शक्तिमान को हरा सकता हूँ तो फिर इस शहर का राजा बनने से कौन रोक सकता है मुझे। सचमुच इस शहर पे हुकूमत करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। राजा, मेरा तो नाम ही राजा है, मेरी माँ ने रखा था, बहुत प्यार से रखा था उसने। वो यही चाहती थी, सपने देखे थे उसने कि उसका बेटा बड़ा होकर राजा बने, राजा। मेरी माँ का सपना पूरा होके रहेगा, मैं पूरा करूंगा माँ का सपना। पता है कितने सालों से मैं माँ के पास गया भी नहीं, सोचता था कि क्या मुंह लेके जाऊंगा माँ के पास, लेकिन अब तो माँ के पास जाना होगा मुझको, कि शहर का राजा जो बनना है, राज माता बनके माँ को राज जो करना है शहर में। अब मैं बहुत जल्द जाऊंगा माँ के पास, बस उससे पहले शक्तिमान को मिटाने की तैयारी कर लूं। कुछ मिला देवी जी, अर्थात कोई जानकारी मिली टॉयमैन के संबंध में? यस, एक फाइल मिली है शहर के अपराधियों के रिकॉर्ड में से, जो खिलौनों से जुड़े अपराधी से रिलेटेड है, शायद ये हमारे काम की हो सकती है। तो फिर ध्यान से देखिए, शायद कुछ मिल जाए। हाँ, ओह माय गॉड, गंगाधर, 7 साल पहले जहरीले खिलौनों से खेलते हुए कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। अर्थात? एक मिनट, ये देखो गंगाधर, उस अपराधी की तस्वीर, वो ऐसे दिखता है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो एक बहुत ही आम इंसान था जो खिलौने बनाता था, उसका नाम था राजा। उसी के खिलौनों से खेलते हुए उन बच्चों की मौत हो गई थी और उनके खून के इल्जाम में उसे 7 साल की सजा हुई थी। तनिक रुकिए, थोड़ा विचार विमर्श करने दीजिए। मतलब? ये घटना 7 साल पहले हुई थी, right? और ये सजा भी राजा को 7 साल पहले ही सुनाई गई थी। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि राजा अब सजा काट कर बाहर निकल चुका होगा। इसका मतलब है कि हो सकता है राजा ही टॉयमैन का चोगा पहनकर बाहर आया हो। ऑफ कोर्स गंगाधर, दोनों एक ही है। देखो, राजा अपने जहरीले खिलौनों से बच्चों को मारता था और टॉयमैन खिलौनों को हथियार बनाकर आतंक फैला रहा है। 100% दोनों एक ही इंसान है गंगाधर। तो शीघ्र ही उसके घर का पता ढूंढ लीजिए देवी जी, वहां जाने पर ही सच्चाई सामने आ सकती है। ओह माय गॉड, इसके घर का पता ही नहीं दिया, शायद इसलिए ताकि उन अपराधियों तक कोई बड़ा अपराधी ना पहुंच पाए, इसी वजह से। परंतु हम तो इस तक पहुंच सकते हैं। कैसे? इसका नाम और चेहरा तो सामने आ ही गया है, अब इसका पता पुलिस स्टेशन जाकर मालूम कर सकते हैं। यस। शक्तिमान, माना बहुत ताकतवर है तू, लेकिन अब तुझे वार्निंग देने का वक्त आ गया है शक्तिमान। शक्तिमान, टॉयमैन की आवाज सुनाई दे रही है तुझे? क्या तुझे टॉयमैन की आवाज सुनाई दे रही है शक्तिमान? सुन रहा है तू? स्पेशल फ्रिक्वेंसी के कारण मेरी आवाज सिर्फ तू ही सुन सकता है शक्तिमान। तेरे आसपास हूं मैं, पकड़ सकता है मुझे।
गाड़ी रोकी देवी जी, गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकी। क्या हुआ गंगाधर? हमें जाना होगा देवी जी। अरे गंगाधर सुनो तो। शक्तिमान मैं कहाँ हूँ? तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते हो शक्तिमान। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। तेरे जरिए ट्वायमैन शहर वालों को एक चेतावनी देना चाहता है शक्तिमान। जाके शहर वालों से कह दे कि अगर वो जीना चाहते हैं तो उन्हें ट्वायमैन की हुकूमत माननी पड़ेगी। यहाँ भी नहीं है, आखिर है कहाँ वो? अफसोस, इस शहर में तो फिलहाल उसका कोई ठिकाना नहीं है गीता जी। ये आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उसका पता साफ साफ लिखा है। लेकिन गीता जी, जो वो इस अवैध चाली में रहता था उसे तोड़कर तो अब बस डेपो बना दिया गया है। अरे हाँ, उसकी माँ जरूर है, वो इस शहर से काफी दूर गांव में रहती है। That's great, Inspector. आप प्लीज उसका पता मुझे दीजिए, मुझे बताइए कहाँ रहती है उसकी माँ। जाकर शहर वालों से कह दे शक्तिमान कि अब शहर में भगवान की पूजा नहीं ट्वायमैन की पूजा होगी। अब लोगों को अपना टैक्स ट्वायमैन को देना होगा और शहर में ट्वायमैन का बनाया कानून ही चलेगा शक्तिमान। और अगर दो दिनों के भीतर शहर वालों ने ट्वायमैन की बात नहीं मानी तो ट्वायमैन इस शहर को तबाह कर देगा शक्तिमान। अब चलता हूं मैं। देखता हूं ये लुका छिपी का खेल कब तक खेल पाओगे तुम। बहुत जल्द मैं तुम्हें पकड़ लूंगा ट्वायमैन। 15 साल हो गए और तू आ जाया है। तुझे मेरी याद नहीं आई कभी? तेरी याद तो बहुत आती थी माँ, लेकिन मैं क्या करता। रहने दे रहने दे, अगर तुझे मेरी परवाह होती ना तो तू इतने दिनों बाद नहीं आता मुझसे मिलने। बेटा, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है ही कौन? अच्छा ये बता, तू आजकल रहता कहाँ है? बस यूँ समझ लो माँ कि मैं खिलौनों के साथ, खिलौनों के बीच में ही रहता हूँ। याद है माँ, बचपन में जब मैं खिलौनों की सेना सजा के उनका राजा बनता था तो तुम कहती थी ना कि खिलौनों का राजा नहीं, तुझे तो बड़ा होके सच का राजा बनना है। आज तेरा कहा सच होने वाला है माँ, मैं सचमुच राजा बनने वाला हूँ माँ, और खिलौने ही मेरी सेना बनेंगे। अरे तू क्या बकवास कर रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ तू तो बस इतना समझ ले कि ये तेरा राजा है ना, ये सचमुच का राजा बनने वाला है। मिस्टर राजा, मेरा नाम गीता है, गीता विश्वास। हाँ तो मिस्टर राजा, जेल से छूटने के बाद आप ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं जिससे आप राजा बनेंगे? जेल? और मुझे? मैंने तो आज तक जेल की शक्ल भी नहीं देखी है। झूठ मत बोलिए, मैंने आपका पुलिस रिकॉर्ड पढ़ लिया है। 7 साल पहले आप सिर्फ खिलौना बेचते थे और आप ही के जहरीले खिलौनों से उन बच्चों की मौत हुई थी जिसके लिए आपको 7 साल की सजा सुनाई गई थी। ये क्या कह रही है बेटा? माँ ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? आप नहीं जानते, आपका ये बेटा दोहरी जिंदगी जी रहा है। इसके अलावा इसका एक और भी रूप है, टॉय मैन का रूप। तो मिस्टर राजा उर्फ टॉय मैन, आप बताने का कष्ट करेंगे
कि आपने इस शहर में कितना आतंक फैलाया है, कितने मासूमों की जान ली है आपने। बकवास कर रही हो तुम, मैं कोई ट्रॉयमैन नहीं हूं, मैं तो राजा हूं, राजा। अरे कब तक आप अपने आप को, अपनी बूढ़ी माँ को, दुनिया वालों को धोखा देते रहेंगे? क्या हासिल होगा आपको ये सब कुछ करके? हाँ, एक बात अच्छी तरह से जान लो, खून की नदियां बहाकर दुनिया पर हुकूमत करने का तुम्हारा ये जो ख्वाब है ना, ये कभी पूरा नहीं होगा। होगा, और अगर नहीं हुआ तो सब कुछ तबाह होगा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। देख लिया आपने, ये है आपके बेटे का असली रूप। तू इतना नीचे गिर जाएगा, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। माँ, माँ, मैं ये सब तो ऊपर उठने के लिए कर रहा हूँ माँ। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। तू मर क्यों नहीं गया बेटे? मैं तो अभी भी कहती हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दे। दुनिया की कोई भी पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती है माँ, तुझे अंदाजा नहीं है मेरी ताकत का। मैं दुनिया का राजा बनूंगा। राजा तो मैं बनूंगा, बस रानी की कमी थी वो तुम पूरा करोगे। शक्तिमान आप? इंस्पेक्टर चंद्रोश, पहले यहां से एक कैदी रिहा किया गया था, खिलौने बनाने वाला था। राजा ना? हाँ हाँ राजा, मुझे उसका पता चाहिए। अभी अभी गीता विश्वास उसका पता लेके गई है। अच्छा, बताइए। जी सर, ये देखिए शक्तिमान। धन्यवाद इंस्पेक्टर। आप ठीक तो हैं? बेहोश कैसी हो गई थी? तुम शक्तिमान हो ना? फिर उसे पकड़ लो, वो बहुत खतरनाक हो गया है, उसे पकड़ लो जल्दी से। कौन? आपका बेटा राजा? हाँ, यहाँ एक लड़की आई थी, उसने मुझे मेरे बेटे की सच्चाई के बारे में बताया। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मगर उसने हम दोनों को बेहोश कर दिया। वो लड़की गीता, वो लड़की, लगता है वो उस लड़की को अपने साथ ले गया है। शक्तिमान, आपको पता है कहाँ गया होगा वो? नहीं, मैं उसके शहर के ठिकाने के बारे में नहीं जानती। हाँ, वो कह रहा था कि वो कहीं खिलौनों के बीच में रहता है। खिलौनों के बीच कहाँ हो सकती है ऐसी जगह? परिभाषा है ये, मिटती मानवता की आशा है।